हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट अकाउंटिंग RSNR में। मैं मोहन सुथार, स्मार्ट कंप्यूटर सेट प्राइसनगर से। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे टेली ERP9 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में GST को इनेबल कैसे करते हैं, और सबसे पहले हमें ये भी जानना जरूरी होता है कि जो GST में कंपोजिशन डीलर और रेगुलर डीलर क्या होते हैं, इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स में क्या डिफरेंस होता है। तो क्योंकि फ्रेंड्स, किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हमें GST से संबंधित कोई भी वाउचर पोस्ट करने से पहले हमें GST से संबंधित कुछ बेसिक जानकारियों का नॉलेज हमें होना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से टोटल अकाउंट्स एंड टैक्सेशन का कोर्स, टेली ERP9, बीजी, मार्ग, फैटैक्स और कॉम्पोटेक्स जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बिजनेस के रियल वाउचर से प्रैक्टिकल तरीके से सिखाएंगे। तो फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, टेली ERP9 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में GST को वाउचर एंट्री करने से पहले सबसे पहले हम GST इनेबल करते हैं। अब वो इनेबल कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम कीबोर्ड से F11 बटन का प्रेस करेंगे, और जैसे हम F11 प्रेस करेंगे तो कंपनी फीचर से संबंधित कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने खुल के आएगा, और इसमें से हम सेलेक्ट करेंगे ट्रेजरी एंड टैक्सेशन के ऑप्शन को। इस पर हम इंटर प्रेस करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने खुल के आएगा, और जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इनेबल GST यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको हम अगर बाई डिफॉल्ट अगर आपके पास नो है तो हम इसको यस कर लेते हैं। हम जैसे इसको यस करेंगे तो GST डिटेल को भी हमें यस करना होगा, और जैसे हम यस करेंगे तो हमसे इंक्वायरी पूछेगा स्टेट की, तो हम सेलेक्ट करेंगे राजस्थान और रजिस्ट्रेशन टाइप, जो आज की इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, रजिस्ट्रेशन टाइप। यानी कि हमसे दो टाइप के ऑप्शन पूछ रहे हैं, कंपोजिशन या रेगुलर। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जब कंपनी क्रिएट करोगे तो आपसे वो सॉफ्टवेयर कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन जरूर पूछेगा, यानी कि आपने जो कंपनी क्रिएट करी है उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन स्कीम में हुआ है या रेगुलर या नॉर्मल स्कीम में हुआ है। अब ये कंपोजिशन स्कीम और ये रेगुलर स्कीम क्या होती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सेम इसी तरीके का एग्जांपल आपको मैं एक दूसरे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में भी दिखाता हूँ। जब आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कंपनी क्रिएट करोगे तो आपसे बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन मांगेगा। तो फ्रेंड्स, ये मैंने बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एक डमी रूप में एक ABC कंपनी क्रिएट करी है, और जब कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ तो बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ने भी ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मांगी है, यानी कि टाइप ऑफ डीलर, यानी कि आपका जो कंपनी है ये रेगुलर है या कंपोजिशन है। तो अब हमें भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ये इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं। किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जब आप कंपनी क्रिएट करोगे तो ये इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेगा ही पूछेगा। तो आपको इसी तरीके से मैं आपको एक मार्ग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का भी एग्जांपल दिखाता हूँ। तो मार्ग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी इस तरीके की इन्फॉर्मेशन हमारे से पूछ रहा है, यानी कि कंपनी, आपने जो कंपनी क्रिएट करी है वो रजिस्टर्ड है या कंपोजिशन में है या अनरजिस्टर्ड है। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले बात यही करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कंपोजिशन और रेगुलर डीलर में। तो फ्रेंड, सबसे आज का मेन मुद्दा था GST का, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और हम सभी को पता है भी ये GST टैक्स है जो 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू हो चुका था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक फ्रेशर स्टूडेंट के मन में ये रहता है भी GST से पहले कौन सा टैक्स लगता था, यानी कि 1 जुलाई 2017 से पहले GST के रूप में कौन सा टैक्स हम देते थे। तो वो हमारा टैक्स थे वेट और CST, वेट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स, यानी कि विद इन स्टेट ट्रांजेक्शन, यानी कि जब हम जैसे हम राजस्थान में अगर किसी सामान का परचेज या सेल राजस्थान में ही करते हैं, यानी कि राजस्थान में हम उस गुड्स को परचेज किया और राजस्थान में ही उसको सेल कर दिया, तो हम टैक्स के रूप में वेट देते थे, वैल्यू एडेड टैक्स। CST यानी कि सेंटर सेल टैक्स आउट ऑफ स्टेट ट्रांजेक्शन, जब हम जैसे हम राजस्थान में अगर हमने किसी पंजाब, दिल्ली या किसी हरियाणा के पार्टी को हमने सामान सेल किया है तो उस वक्त जो टैक्स चार्ज किया वो CST किया है। अब ये वेट और CST में क्या डिफरेंस है, वेट की जितनी भी रिवेन्यू होती थी वो सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट की होती थी, और CST के रूप में जितनी भी टैक्स कलेक्ट होता था वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स होता था।
वेट, यानी कि हमारे भारत में जितने भी स्टेट हैं उन सभी स्टेट में वेट के अलग अलग रूल्स थे, सभी में वेट के फॉर्म अलग थे, वेट के रिटर्न भरने के प्रोसेस अलग अलग थे, और जो वेट के टैक्स की जो परसेंटेज थी वो भी हर स्टेट में अलग अलग थी। यानी कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट थे जो हमारे राजस्थान में तो वेट फ्री थे लेकिन अदर स्टेट में उन पर वेट लगता था, कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी थे जो अदर स्टेट में तो वेट फ्री थे और हमारे स्टेट में उस पर वेट लगता था, लेकिन कई बार वेट भी लगता था लेकिन अलग अलग रेट से। जैसे कोई प्रोडक्ट एक पेन है, हमारे तो राजस्थान में लगता था 5.5% का वेट, और ये ज़रूरी भी नहीं है भी उसको पंजाब में भी वो 5.5% है या दिल्ली में भी उस पर 5.5% का ही वेट लगेगा, वहाँ पे 5.5 हो भी सकता है, वहाँ पे 5% भी हो सकता है, वहाँ पे 8% भी हो सकता था। लेकिन अब हम बात करेंगे GST की, जो आज का हमारा मेन मुद्दा है, GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स यानी कि सामान और सर्विस यानी कि सेवा। पहले हम जब वेट में थे तो हमें जो सेल पे जो हम टैक्स देते थे वो वेट देते थे, और हमारी अगर बिजनेस किसी सर्विस की है तो हम सर्विस टैक्स अलग से टैक्स देते थे। लेकिन अब सामान पे जो टैक्स लगता है और जो हमारी सेवा पे जो टैक्स लगता है उसको एक ही नाम दे दिया GST का, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दोनों का एक ही क्लब कर दिया। तो फ्रेंड्स, अब GST को भी 3 अलग अलग भागों में बांटा था, इसमें से एक CGST का और एक SGST और एक IGST, यानी कि CGST सेंटर गुड्स एंड सर्विस टैक्स और SGST यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसमें हमारा सेंटर का टैक्स है, ये हमारा स्टेट का टैक्स है, और IGST यानी कि इंटीग्रेटेड टैक्स। अभी तो फ्रेंड, अभी CGST और SGST टैक्स कब लगते हैं और IGST टैक्स कब लगता है, अब इसके बारे में हम बात करते हैं। यानी कि गुड्स परचेज सेल सर्विस इन आवर स्टेट, यानी कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट को जब हमारे राजस्थान में उसको परचेज किया और हम राजस्थान में ही उसको सेल कर रहे हैं तो हम टैक्स के रूप में CGST और SGST चार्ज करेंगे। यानी कि किसी भी प्रोडक्ट पे अगर 5% का GST है तो उसमें हम 2.5% CGST चार्ज करेंगे और 2.5% हम SGST चार्ज करेंगे। यानी कि जो 2.5% है वो हमारा सेंटर का टैक्स रहेगा और जो 2.5% जो डिफरेंस है वो हमारा स्टेट का टैक्स रहेगा। और इसी तरीके से अगर सेम ही प्रोडक्ट को हम आउट ऑफ स्टेट सेल कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हम IGST चार्ज करेंगे पूरा, यानी कि 5% का पूरा टैक्स हम चार्ज करेंगे अगर किसी प्रोडक्ट पे 5% कहे तो। यानी कि जिस वक्त IGST टैक्स अगर लगेगा तो उस वक्त हमारा CGST और SGST टैक्स नहीं लगेगा, और जिस वक्त हमारा CGST और SGST टैक्स लगेगा उस वक्त हमारा IGST टैक्स नहीं लगेगा। IGST टैक्स हम जब अदर स्टेट में ट्रांजेक्शन करते हैं तब IGST टैक्स चार्ज करते हैं, और लोकल यानी कि हमारे स्टेट में अगर ट्रांजेक्शन करेंगे तो CGST और SGST टैक्स के रूप में चार्ज करेंगे। यानी किसी भी प्रोडक्ट पे अगर 12% का टैक्स लगता है तो 6% CGST और 6% SGST। इसी तरीके से अगर 18% का अगर किसी प्रोडक्ट पे टैक्स लगता है तो 9% हमारा CGST रहेगा, 9% SGST रहेगा। और इसी तरीके से हमारा 28% का अगर किसी प्रोडक्ट पे टैक्स लगता है तो 14% हम CGST चार्ज करेंगे और SGST भी 14% ही चार्ज करेंगे। तो फ्रेंड, ये हमारी टैक्स के रूप में 4 तरीके की कैटेगरी रखी है, 5%, 12%, 18% और 28%। और आज का जो मेन हमारा टॉपिक था वो था कंपोजिशन डीलर और रेगुलर डीलर के बीच में डिफरेंस क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर हम मोटे तौर पे अगर बात करें और यहाँ तक हम केवल और केवल इनकी बेसिक की जानकारी बात करेंगे, हम कोई ज़्यादा इस मैटर पे अभी इतना ज़्यादा कोई डीपली नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हम इसी मैटर पे अगर ज़्यादा गहराई पे बात करेंगे तो एक वीडियो भी लंबा हो जाएगा और अभी हम कुछ समझ में भी नहीं आएगा। उतनी जानकारी लेंगे जितना अभी तक हमारे लिए जरूरी है, एक फ्रेशर स्टूडेंट के लिए किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में GST से संबंधित वाउचर पोस्टिंग करने से पहले। जब हम हमारी फर्म को GST में रजिस्ट्रेशन कराने की सोच रहे होते हैं तो हमारे सामने दो ऑप्शन आते हैं, रेगुलर डीलर का और एक कंपोजिशन डीलर का। अब हम किस में जाना है, अब हमें इसकी जानकारी अच्छी तरीके से होनी जरूरी है, क्योंकि अगर आप चाहे कंपोजिशन में GST नंबर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो चाहे आप रेगुलर में करवा रहे हो, दोनों में डॉक्यूमेंटेशन जो भी है वो सेम रहेगी, लेकिन जो उनकी कुछ कंडीशन है वो कंडीशन ये रहती है भी जिन फर्म की यानी कि जिस कंपनी की टर्नओवर सेल या परचेज 1.5 करोड़ से ज़्यादा है तो वो रेगुलर डीलर रहेगा, यानी कि वो कंपोजिशन डीलर नहीं आ सकता। और जिस कंपनी की टर्नओवर 1.5 करोड़ या 1.5 करोड़ से कम है तो वो कंपोजिशन में भी रह सकता है और वो रेगुलर में भी आ सकता है, उसके लिए दोनों ऑप्शन खुले हैं। पहली कंडीशन तो ये होगी। दूसरी कंडीशन ये है इसकी, रेगुलर डीलर होता है वो ऑल इंडिया यानी कि पूरे भारत में सामान खरीद सकता है और बेच सकता है,
लेकिन कंपोजिशन का जो डीलर है वो केवल और केवल अपने स्टेट के अंदर ही ट्रांजेक्शन कर सकता है, यानी कि वो आउट ऑफ स्टेट के साथ ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता। दूसरी कंडीशन यही थी इसकी। और तीसरी कंडीशन जो मेन होती है इसकी, टैक्स लाइबिलिटी की, यानी कि जो टैक्स भरने का जो तरीका है वो दोनों का काफ़ी ज़्यादा अलग है। जो रेगुलर डीलर रहता है वो इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स का डिफरेंस जमा करवाता है, और जो कंपोजिशन डीलर होते हैं वो उस टैक्सेबल गुड्स पे 1% का टैक्स उसको जमा करवाना ही पड़ेगा। यानी कि जो रेगुलर डीलर होता है उसको इनपुट टैक्स का क्रेडिट है वो मिल जाता है, लेकिन कंपोजिशन डीलर को इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता। अब ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या चीज़ है, आउटपुट क्या चीज़ है, अब इसको हम अच्छी तरीके से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे एक एक्सेल शीट में दो अलग अलग कॉलम में इसको समझने की कोशिश करेंगे, यानी कि इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स। तो फ्रेंड, ये इनपुट टैक्स क्या होता है, टैक्स पेड ऑन गुड्स व्हेन गुड्स परचेज बाय अस, यानी कि जब हम किसी कंपनी से जो सामान हम खरीदते हैं उस पर जो हमने टैक्स दिया है वो हमारे लिए इनपुट टैक्स है। और आउटपुट टैक्स, टैक्स चार्ज ऑन सेल फ्रॉम कस्टमर, यानी कि जो हमने हमारे कस्टमर को जो सामान सेल किया है और उस सेल पे यानी कि उस इनवॉइस पे जो हमने टैक्स चार्ज किया है वो हमारे लिए आउटपुट टैक्स है। अब इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स की हम पहचान कैसे करेंगे, हम इसको भी एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। ये हमारे सामने एक टैक्स इनवॉइस है विजय ट्रेडिंग कंपनी का, यानी कि विजय ट्रेडिंग कंपनी ने श्री श्याम ट्रेडर्स को इनवॉइस जारी किया, यानी कि ये सेलर है और ये परचेजर है, यानी कि श्री विजय ट्रेडिंग कंपनी ने श्री श्याम ट्रेडर्स को सामान सेल किया है, और जब सामान सेल किया है तो उसने 4650.48 रुपये का टैक्स भी चार्ज किया है, यानी कि जो हमारी इनवॉइस की जो नेट वैल्यू वो है 38,018 रुपये। लेकिन उस सामान की अगर बेसिक वैल्यू की अगर हम बात करें तो जो बेसिक वैल्यू है उस सामान की वो हमारी 33,268 रुपये है, और उसमें हमारा टैक्स लगा हुआ है 4650.48 रुपये का। इसमें से यानी कि 2325.24 रुपये हमारा CGST है और 2325.24 रुपये हमारा SGST है। अगर बात करें इनपुट और आउटपुट की तो ये विजय ट्रेडिंग कंपनी के लिए तो आउटपुट रहेगा और श्री श्याम ट्रेडर्स के लिए इनपुट हो जाएगा, क्योंकि विजय ट्रेडिंग कंपनी सेल करने वाला है, तो सेल जो सेल करने वाला होता है उसने जो अपने इनवॉइस पे जो टैक्स लगाया वो उस कंपनी के लिए आउटपुट होता है। अब मान लीजिए हमने किसी पार्टी से 1,000 रुपये का प्रोडक्ट खरीदा है और उस प्रोडक्ट पे 5% का टैक्स लगता है, यानी कि 1,000 रुपये उसकी टैक्सेबल वैल्यू है। अगर उस पर अगर टैक्स की बात करें हम तो उस पर टैक्स हमारा लग जाएगा, अगर इंटू 5% हम करें तो यानी कि 50 रुपये। जो टोटल इनवॉइस की जो नेट वैल्यू बनेगी वो टैक्सेबल वैल्यू और प्लस टैक्स जोड़ के 1,050 रुपये बनेगी, यानी कि ये हमने सामान खरीदा 1,050 रुपये का, इसमें हमने टैक्स के रूप में 50 रुपये दे दिए हैं और सामान की एक्चुअल कीमत है 1,000 रुपये है। अगर हम बात करें इसकी सेल की, सपोज करो ये सामान हमने 700 रुपये में अभी सेल किया है और डिफरेंस स्टॉक अभी हमारे पास पड़ा हुआ है, तो अगर हम 700 का अगर 5% की अगर बात करें यानी कि 35 रुपये हमने कस्टमर से चार्ज किया है अपने सेल्स इनवॉइस पे, तो अब टैक्स लाइबिलिटी की अगर हम बात करें यानी कि हमने 50 रुपये तो ऑलरेडी टैक्स पेड कर चुके हैं गवर्नमेंट को जब हमने गुड्स परचेज किया था टैक्सेबल, और ये 35 रुपये हमारी लाइबिलिटी बन चुके हैं, ये हमें गवर्नमेंट को भी देना है। तो अब हमें देने की गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने गवर्नमेंट को देने तो है 35 रुपये, लेकिन हम गवर्नमेंट से मांग कितने रहे हैं 50 रुपये। अगर इनमें डिफरेंस की अगर बात करें तो अब अभी तक हम 15 रुपये गवर्नमेंट से मांग रहे हैं, यानी कि हमारा 15 रुपये एक्सेस गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट है, तो हमें अभी भी टैक्स जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसी तरीके से अगर हम बात करें कंपोजिशन डीलर की, मान लीजिए कंपोजिशन डीलर ने भी 1,000 रुपये का सामान परचेज किया है और उस पर उसने 50 रुपये का टैक्स दिया है, तो टोटल इनवॉइस की वैल्यू रहेगी 1,050 रुपये की। अगर वो इसी सामान को सेल करता है 700 रुपये में, तो अब उसको 700 मान के 1% का उसको टैक्स देना पड़ेगा। अगर 700 का अगर हम 1% की अगर हम बात करें इंटू 1%, तो यानी कि 7 रुपये। अब उसको 7 रुपये का टैक्स है गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना ही पड़ेगा, उसको इस 50 रुपये का जो टैक्स पेड कर चुका है वो, इसका उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी कि जो हमारी कंडीशन थी वो यही थी भी जो रेगुलर डीलर होता है उसको इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलता है और जो कंपोजिशन डीलर होता है उसको इनपुट टैक्स का जो क्रेडिट है वो नहीं मिलता।
तो इस तरीके से अगर हम बात करें दोनों में डिफरेंस की, अगर ये गुड्स रेगुलर डीलर अगर इसको 1200 रुपये का अगर सामान इसको सेल करते हैं तो इसका आउटपुट बनेगा 60 रुपये, यानी कि अब उसके 10 रुपये की लाइबिलिटीज बन चुकी है टैक्स जमा करवाने की, क्योंकि गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट है 50 रुपये और कस्टमर से ले लिए 60 रुपये, जो डिफरेंस है ये 10 रुपये ये हमें गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। अगर ये कंपोजिशन डीलर अगर इसको 1200 रुपये का अगर कोई सेल करता है तो उस कंपोजिशन डीलर को 12 रुपये गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे। तो यानी कि टैक्स की लाइबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो जो रेगुलर डीलर होता है वो इनपुट और आउटपुट का डिफरेंस जमा करवाता है, और कंपोजिशन डीलर जो उसने टैक्सेबल सामान किया है उस टैक्सेबल सामान पे 1% का कंपोजिशन उसको परसेंट का कंपोजिशन टैक्स गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना ही पड़ेगा। अच्छा, इस पे ये कोई मायने नहीं रखता भी वो प्रोडक्ट 5% का है या 12% का या 18 का या 28 का है, उसको कंपोजिशन डीलर को चाहे किसी भी टाइप का परसेंटेज का वो गुड सेल कर रहा है तो 1% का टैक्स उसे जमा करवाना ही पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पर अगर बात करें, अगर हम 700 रुपये की, तो 700 रुपये पे 35 रुपये यानी कि 15 रुपये हमारी गवर्नमेंट के पास एक्सेस है तो हमें जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही हमारा आउटपुट है जो इनपुट से अगर एक्सेस हो जाता है, अगर हम बात करें 1100 रुपये की, तो ये 5500 यानी कि 5 रुपये हमारा एक्सेस रह गया, यानी कि हम गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, हमने कस्टमर से 5 रुपये एक्सेस चार्जेस कर लिए हमारे इनपुट की बजाय, यानी कि अब हमारा इनपुट का लेजर है जो 50 रुपये है और आउटपुट लेजर हमारा 55 रुपये है, तो ये 5 रुपये हमारी लाइबिलिटी बन चुकी है। अगर यहाँ पे 1100 रुपये का अगर करेगा तो इस कंपोजिशन डीलर को 11 रुपये का जो टैक्स है जमा कराना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वीडियो में ये सीखेंगे जो हमारे GST के टैक्स इनवॉइस होते हैं उन्हें टेली ERP9 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कैसे मेंटेन करते हैं, और टेली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में GST एंट्री करने से पहले हमें कौन कौन से फीचर को यस या नो करना होता है, क्या क्या सेटिंग हमें टेली ERP9 में करनी होती है, तो ये नेक्स्ट वीडियो हम प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे। तो ये टोटल वाउचर आपको GST से संबंधित टैक्स इनवॉइसेस है, जो हमारी रिसिप्ट है, पेमेंट वाउचर है, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न है, ये टोटल वाउचर के थ्रू आपको मैं प्रैक्टिकल तरीके से सिखाऊंगा टेली ERP9 में वाउचर एंट्री करना। तो फ्रेंड्स, ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपका किसी भी टाइप का कोई सुझाव या कोई शिकायत है तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।